नमस्कार देवियों और सज्जनों, मैं हूं सत्यम। आप सभी का स्वागत करता हूं क्लैश रॉयल के इस गेम प्ले में। तो आज हम देखेंगे ये प्यारा सा डेक जिसका एलिक्सर कॉस्ट है 2.8। तो फिलहाल अभी मैं इसमें टेस्ला निकाल के चाहूं तो बॉम्ब टावर भी रख सकता हूं, पर फिलहाल अभी मैं टेस्ला ही लेके जा रहा हूं आगे, क्योंकि नए अपडेट में बॉम्ब टावर को भाई साहब थोड़ा बफ कर दिया, उसके लिए उसका पावर ख़त्म हो गया है। ऑल राइट, तो पहले हम प्रिंस को अपने ड्रॉप कर देते हैं। तो प्रिंस हमारा भाई सब बस आया है इसलिए ताकि मतलब कि हमको मतलब मार खाए सामने टीम से, बस इसलिए हम लोग प्रिंस को लेके ही आए हैं। फिलहाल मेरा दोनों का दोनों वॉल ब्रेकर गया भाई साहब, उसके टावर को हिट कर दिया बहुत ही बढ़िया। ऑल राइट, तो इसके तो भाई साहब ये जो दो क्लैन एक साथ आते हैं ना बहुत ही खतरनाक, सॉरी दो बारबेरियन। ओके, तो हम फिर से भाई साहब वही स्ट्रेटजी अपनाते जो पहली बार किए थे। ओके, तो इस बार इसने पेका छोड़ दिया है साथ ही साथ। ऑल राइट, बहुत ही बढ़िया भाई साहब। तो हमारा दोनों वॉल ब्रेकर में से एक वॉल ब्रेकर तो आराम से पहुंच ही जा रहे हैं वहां तक। ओके, ज़रा मैं इधर ये डाल देता हूँ माइनर को, ठीक है, माइनर डिफेंड करेगा। ऑल राइट, बहुत ही बेहतरीन दोस्तों। हो सकता है माइनर पहुँच के का मतलब उसको मार भी ले टावर को, हिट क्या करेगा, क्या बात है। माइनर को उसका सपोर्ट दे दिया। ओहो, यहाँ पे मैंने गलती कर दिया, कोई बात नहीं। ऑल राइट, टेस्ला को तैयार रखता हूँ क्योंकि मेरे को पूरा यकीन है वो दो बारबेरियन को छोड़ेगा जो एक साथ रहते हैं। ऑल राइट, फिलहाल छोड़ा नहीं तो फिर से हम वही अपना स्ट्रेटजी अपनाते हैं। ऑल राइट, तो फिर दोनों बारबेरियन को छोड़ा उसने, एक बारबेरियन ओके भाई साहब, बारबेरियन पहुँच नहीं पाया टावर तक और पहले ही मर गए। ऑल राइट, तो पहले डिफेंड करता हूँ, अगर ये भाई साहब बारबेरियन टावर तक पहुँचे तो तुरंत का तुरंत पूरा टावर चूस जाएंगे। ऑल राइट, बैट बहुत अच्छा काम करता है भाई साहब, बैट तो इतना बढ़िया है ना डिफेंड करने के लिए, मतलब सामने का कोई भी ट्रूप रहे उसको तो एकदम चूस जाता है। फिलहाल फिर से हम वही अटैक स्ट्रेटजी अपनाते हैं जिसके कारण हमारा एक मतलब ऑल राइट पेका छोड़ेगा मेरे को लगा ही, इसलिए मैंने पीछे से वो किया था प्रेडिक्ट करके लॉग डाल दिया, लॉग से पेका मतलब। ऑल राइट भाई साहब, इस वक्त मैं थोड़ा बुरा फंसा हूँ पर कोई बात नहीं दोस्तों। ओ थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई पर कोई बात नहीं दोस्तों, बहुत ही बढ़िया डिफेंड करते हुए मैं ओके बहुत ही अच्छा लीड बना लिया हूँ और उसके और मेरे बीच में काफ़ी गैप हो गया है। फिर से वही अटैक स्ट्रेटजी अपनाऊंगा इस बार। ऑल राइट भाई साहब, इस बार तो मुझे लगा था पेका छोड़ेगा पर इस बार मैं थोड़ा रॉन्ग हो गया। ऑल राइट, तो दो दो पेका एक साथ छोड़ दिया है, यहाँ पे बैट देख के संभाल पाएंगे कि नहीं। ऑल राइट, उसने जैप डाल के पूरा ख़त्म कर दिया, खैर कोई बात नहीं। ओके, तो मुझे ये मारने पड़ा, वो दोनों बारबेरियन छोड़ेगा छोड़ेगा। ऑल राइट भाई साहब, मुझे पूरा यकीन था दोनों बारबेरियन छोड़ेगा, खैर कोई बात नहीं, अब तो मेरा कुछ नहीं हो सकता, टावर जाने ही वाला है, बाय बाय टावर। ऑल राइट, बैट आ गए हैं, बैट जर बैट बचा लेना, क्या पा रहे दोस्तों, बैट बहुत बढ़िया काम। ऑल राइट, फिर अभी मैं इतना दोनों वॉल ब्रेकर छोड़ा पर इस बार उसका इलेक्ट्रो बीज ने भाई साहब उसको फ्रीज करके रख दिया, बहुत ही बढ़िया। यहाँ पे बहुत ही अच्छा गैप बन चुका है अब। ऑल राइट, 30%, अब वो दोनों बारबेरियन छोड़ेगा और मेरे पास मेरा ये है माइनर। फिलहाल भाई साहब दोनों बारबेरियन को यूज करो, भाई साहब इंजन चेंज करो। बहुत ही बेहतरीन और शानदार मैच था। ऑल राइट दोस्तों, तो इस वाले में इसने पहले सामने वाला लंबर जैक ड्रॉप कर दिया। भाई साहब, अगर कोई लंबर जैक ड्रॉप करे ना तो आप इतना एक्सपेक्ट करके चलो वो बलून लेके ही आया है, क्योंकि बलून और ये रेज स्पेल का एक बहुत ही भयंकर कॉम्बिनेशन बन जाता है। ओके, तो ये मेरा सेकंड अटैक स्ट्रेटजी है, माइनर को एकदम टावर के पास बिजी कर दो, उसके पीछे बैट और गॉब्लिन छोड़ दो। भाई साहब टावर मतलब कि मतलब उस पर लॉक हो जाएगा, लेकिन भाई साहब यहाँ पे मेरा अटैक स्ट्रेटजी कुछ काम नहीं आया, सामने वाला एकदम साफ साफ बच गया। ओके, तो यहाँ पे मैं बहुत बड़ी गलती कर दिया टेस्ला लगा के, क्योंकि मुझे पता था भाई साहब वो लंबर जैक लाया है तो हो सकता है बलून लाया रहे, और मतलब कि उसके बाद भी मैं ओके देखो उसने बलून ड्रॉप भी कर दिया, हे भगवान। ऑल राइट, तो यहाँ पे डरने वाली बात नहीं, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास है बहुत प्यारे से बैट, और भाई साहब बैट तो आपको पता ही है कितना अच्छा है, बैट से अच्छा भाई साहब कोई प्रूफ नहीं है। सही था,
ऑलराइट भाई साहब, रेज है तो रेज का मतलब यूज़ करने के लिए उसने गोब्लिन बैरल फेंका, पर भाई साहब लॉग ने बचा लिया। ऑलराइट फिलहाल मैं फिर से टेस्ला लगा दिया, क्योंकि अभी मैं तैयार रहूँगा वो, मतलब कि फिर अगर मैं टेस्ला लगाऊंगा टेस्ला ख़त्म होने वाला रहेगा तो वो ज़रूर छोड़ेगा बलून को। ओके, अब वो पूरा दिमाग में रहेगा क्योंकि टेस्ला लगाया हूँ तो बलून छोड़ेगा। फिलहाल भाई साहब बलून नहीं छोड़ा, खैर कोई बात नहीं, अभी तब तक तो अब तक हमारा दूसरा भी टेस्ला आ जाएगा। ओके, ओहो बात नहीं बन रही है यार, मेरे सारे प्लान फेल हो जा रहे इस बार। वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैंने एक टावर का गैप मार लिया है। ऑल राइट, तो टेस्ला तैयार रखता हूँ, क्योंकि जब थोड़ा लंबा शांति रहेगा तो इतना यकीन हो कि लंबा जगह छोड़। ओके भाई सब, टेस्ला गलत प्लान हो गया, खैर कोई बात नहीं, गलत प्लान हो गया पर अब क्या कर सकते हैं सब। ऑल राइट, टेस्ला छूट गया यार, बलून ने टावर को छूट गया। ऑल राइट, तो यहाँ पे मैं थोड़ा प्रेशर बनाता हूँ इस तरफ से। ऑल राइट ऑल राइट, हे भगवान बात नहीं बनी यार, दोनों शॉट मिस हो गया। ओके, फिर से भी बलून गिराया। ऑल राइट, बलून इस तरफ छोड़ दिया, हे भगवान, लंबर जगह इस तरफ, बलून उस तरफ, ये क्या बात है। ऑल राइट, अच्छा इस तरफ, मतलब वो सोचा था कि अगर बलून गलती से टच कर दिया टावर तो बात बन जाएगी उसका। ओके, क्या बात है दोस्तों, थोड़ा आखिरी समय बचे हैं। ऑल राइट, यहाँ पे मेरी गलती थी, ये भगवान, मेरे को प्रिंस को नहीं डालना चाहिए था यहाँ पे। खैर कोई बात नहीं दोस्तों, अभी मैं अपनाता हूँ एक नया सत्यम रणनीति। इसमें मैं क्या काम करता हूँ, सीधे अपने मतलब ये माइनर को टावर को लॉक करवा देता हूँ, पीछे से बैट और गॉब्लिन छोड़ देता हूँ। और फिलहाल इस बार बात बनी, बन गई एकदम बात, एक फायर वॉल डाल देता हूँ। वाह भाई वाह, ऐसे मारते ही लिए सकते हैं, थोड़ा चिढ़ा देता हूँ बंदे को। ऑल राइट दोस्तों, तो एक और नया अटैक, मतलब एक और नए मैच में आप सभी का स्वागत है। तो चलो दोस्तों, इस बार देखते हैं हम क्या काम करते हैं। फिलहाल मैं बैट डालता हूँ, साथ ही साथ मैं तैयार रखता हूँ अपने ये क्या नाम है और भी ट्रूप को, क्योंकि हो सकता है वो डाल दे, क्या बोलते हैं यार, जैप, अपोनेंट जैप भी लेके आता है ना, तो इसलिए भाई साहब स्केलेटन आर्मी था, स्केलेटन आर्मी अगर टावर को छुए ना। ऑल राइट भाई साहब, तो ये लाया है मेगा नाइट, भाई साहब ये बहुत ही डेंजरस ट्रूप है मेगा नाइट, अच्छे अच्छे को हालत ख़राब कर देता है। तो इसमें सबसे पहले क्या काम करना रहता है, अपने को पीछे वाले ट्रूप्स को निपटाते रहो ताकि मेगा नाइट को सपोर्ट ना मिल पाए। खैर यहाँ पे लगता है काम बंद हो चुका है। ऑल राइट, दोनों ट्रूप लो है उसके, कम ऑन टावर। ऑल राइट, एक भी हिट नहीं कर पाए, बहुत ही बढ़िया डिफेंड किया। और साथ ही साथ भाई साहब एलिक्सर का इस बार मैंने गैप मार लिया, तो फिलहाल अभी मैं थोड़ा। ऑल राइट, यहाँ पे आप गलती हो गई, स्केलेटन आर्मी आ रहा है, कोई बात नहीं। ओके, तो भाई साहब एक तरफ स्केलेटन आर्मी, एक तरफ गॉब्लिन आर्मी, तो इसलिए मुझे डालना ही पड़ा ये बॉम्ब टावर। बस अब उम्मीद करता हूँ उसके पास कोई ऐसा ट्रूप ना रहे जो डायरेक्ट टावर पर अटैक करता है, क्योंकि मैं अपना यूज़ कर चुका हूँ। ऑल राइट, यहाँ पे पाँच साथ जो बारबेरियन उतरते हैं वो वाला ट्रूप है, तो कोई बात नहीं, हमारे बैट और गॉब्लिन काफ़ी उतरी थे, उनको अच्छे सबक सिखा दिए, तो अभी बचे दो हमारा नाइट तैयार उतरने के लिए। ऑल राइट, नाइट का लगता है आ चुका है, जो ट्रूप करते हैं ड्रैगन, पर इन्फर्नो ड्रैगन के लिए अकेला ये बैट काफ़ी है, तो दो इलिगल लेता है बैट, इन्फर्नो ड्रैगन को अच्छे से समाप्त कर देता है। ऑल राइट, तो अभी अपना रणनीति अपनाने के लिए बरोबर साइकिल नहीं हो पा रहा है ट्रूप जैसा रणनीति था। ऑल राइट, गॉब्लिन डाल देता हूँ फिलहाल। ओके, एक फायर बॉल मार ही देता हूँ, हे भगवान जल्दी आ जा। ऑल राइट, नाइट रेडी है, नाइट को इधर डाल देता हूँ, प्लस इधर गॉब्लिन गैंग आ रहे हैं, गॉब्लिन गैंग को निकाल देता हूँ। ऑल राइट, उसका भाई साहब क्या बोलते हैं, ऊपर से इन्फर्नो बीच आ गया था, सॉरी इन्फर्नो बीच बोल रहे हैं, इन्फर्नो ड्रैगन आ गया था, पर मेरे बैट ने उसको बचा लिया, बैट बहुत बढ़िया काम कर रहा है। उधर मेरी पूरा आर्मी पूरा पहुंच चुकी है वहाँ तक। ऑल राइट भाई साहब, टावर टच कर दिए, आप बाहर है दोस्तों, देखते देखते ले भी थी। ऑल राइट भाई साहब, एक को छोड़ रहा हूँ, एक तरफ गॉब्लिन गैंग को डाल दे रहे यार, बड़ा चलाक है ये। अगर भाई साहब वो सोच रहा मैं पूरा ट्रूप इधर जोड़ दूँ तो गॉब्लिन गैंग इधर पूरा कैप्चर कर लेते हैं। ऑल राइट भाई साहब, यहाँ पे पूरा पाँच बारबेरियन आर्मी आ गई है, पर इनको रोकने के लिए ये काफ़ी है हमारा।
बॉम्ब टावर। और राइट पीछे का स्केलेटन आज भी पता नहीं क्यों डाला था, पता नहीं क्या मकसद दिया था, तो देख रहे बॉम्ब टावर है तो क्यों डाल रहा था स्केलेटन आर्मी। तो सिख साहब भाई साहब ये मैच भी जीत लिए, तो आज के लिए बस इतना ही। We'll be right back.